अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीपल पर आवर के डैशबोर्ड के अबाउट, कि डैशबोर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आप लोगों को नजर आएंगे, कौन सी सेटिंग्स को आप किस तरह से एक्सेस करेंगे, इन सारी चीज़ों के अबाउट हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर इन सारे ऑप्शन को। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे देखें हमारे सामने कुछ टॉप के ऊपर ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेता हूँ पोस्ट एंड ऑफर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको यूज़ करते हुए गिग बना सकते हैं। अगर आप फाइवर से थोड़ा सा फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा गिग क्या होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना गिग क्रिएट कर सकते हैं। अब बेसिकली इसको मैं गिग को आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर बताऊंगा, एक गिग जो है वो पोस्ट करके भी दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सर्च का ऑप्शन है जिसके अंदर ऑफर्स और फ्रीलांसर्स को सर्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्च का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे फेवरेट्स हैं, आप पर्सन या प्रोफाइल को या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को फेवरेट कर सकते हैं, और वो जो फेवरेट्स वाली चीज़ें वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी ताकि आप उनको याद रखें। बुक मार्क की तरह काम करता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जो भी नोटिफिकेशन आपके प्रोफाइल के रेलिवेंट होंगे, कोई आपको इनवाइट आया है, कोई बायर ने आपको कांटेक्ट किया, या जितने भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ से हमारे मैसेजेस आप देख पाएंगे जितने भी हैं। और फाइनली यहाँ पे हमारे प्रोफाइल है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है अवेलेबल नाउ, मेक श्योर कि ये जो ऑप्शन है ये अवेलेबल नाउ का ऑन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट अ प्रोजेक्ट सिंपल, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे पोस्ट अ प्रोजेक्ट व्हाट यू नीड, बेसिकली ये बायर्स के लिए होता है लेकिन हम एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड है। जब डैशबोर्ड में जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे प्रोफाइल्स के जितने भी स्टैट्स हैं वो हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे, कि हमारे कितने प्रपोजल लेफ्ट हो गए हैं, कितनी पेमेंट्स हमारी आ गई हैं, कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन्विटेशन कितने आए हैं, प्रपोजल क्रेडिट्स क्या होते हैं, आगे चल के मैं आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से इस डैशबोर्ड के अंदर शो हो जाएंगी। आपका सर्ट लेवल क्या है तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो अगला ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर जो भी एडिट्स करने हैं आपने, अपने यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, अपनी स्किल्स ऐड करनी है, यहाँ से अपने अकाउंट्स कनेक्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपने पोर्टफोलियोज़ वगैरह ऐड करने हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके रिव्यूज़, आपके प्रोफाइल के रेलिवेंट जो बायर्स ने आपको दिए हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे, राइट। तो ये कुछ ऑप्शन है प्रोफाइल के। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फ्रीलांसर एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको आपके तमाम डाटा मिल जाएगा कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे जो है प्रपोजल भेजा, पेंडिंग अवेलेबल है प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट्स आपको मिल चुके हैं, प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस में कितने हैं, और अर्निंग सो फार आपकी कितनी हो चुकी है। तो ये सारी स्टैट्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है पेमेंट्स का। यहाँ से आप अपनी जो पेमेंट मेथड्स हैं वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे चल के हम डिटेल के अंदर इसके बारे में बात करेंगे किस तरह से पेमेंट मेथड्स जो हैं वो इंटीग्रेट करने हैं अपने पीपल पर आवर अकाउंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है। सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे देखें आपके प्रोफाइल का URL आप चेंज कर सकते हैं, ईमेल वगैरह और पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, अकाउंट की स्टेटस देख सकते हैं एक्टिव है नहीं है, सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, प्रपोजल क्रेडिट कितने हैं कितने नहीं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आगे चल के बात करूँगा। बेसिकली ये बेसिक डाटा है, राइट। उसके बाद हम यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं और ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको अभी आप छोड़ दें। बस एक ऑप्शन को आप देख सकते हैं जो है कस्टमर सपोर्ट। आपके प्रोफाइल में कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप कस्टमर सपोर्ट से बात करके उस इशू को सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये था बेसिक सा इंटरफेस पीपल पर आवर का। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी इंटरफेस के अबाउट किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या कोई भी ऑप्शन की समझ नहीं आ रही आप लोगों को, नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।